दोनों सेनाओं का घोर संग्राम और शकुनी का कूट युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार यह घोर संग्राम चल ही रहा था कि पांडवों ने आपकी सेना में भगदड़ डाल दी। उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिश से अपने सैनिकों को रोककर पांडव सेना से युद्ध करने लगा। इधर राजा युधिष्ठिर ने तीन बाणों से कृपाचार्य को बींधकर चार से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। तब कृतवर्मा को तो अश्वथामा ने अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र पहुंचा दिया, किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को आठ बाणों से बींध दिया। तदनंतर दुर्योधन ने 700 रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा। उन रथियों ने युधिष्ठिर पर चारों ओर से इतनी बाण वर्षा की कि वे अदृश्य हो गए। उनकी यह करतूत शिखंडी आदि महारथियों से सही नहीं गई। वे अपने-अपने रथों पर बैठकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। फिर तो कौरव तथा पांडव योद्धाओं में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। पानी की तरह खून बहाया जाने लगा। यमलोक की आबादी बढ़ने लगी। उस समय पांचालों और पांडवों ने दुर्योधन के भेजे हुए उन 700 रथियों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात पांडवों के साथ आपके पुत्र ने महान युद्ध छेड़ा, वैसा पहले कभी न तो देखा गया और न सुना ही गया था। चारों ओर मर्यादा तोड़कर लड़ाई हो रही थी। दोनों ओर के योद्धा बेतरह मारे जा रहे थे। इस समय शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरो, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मद्र देश के योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियां भरने लगे। इतने में ही पांडव फिर हमारे सामने आए और धनुष टंकारते हुए हम लोगों पर बाण बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में मद्र राज की सेना मारी गई। यह देख दुर्योधन की सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी। तब शकुनी ने कहा, पापियों, तुम्हारे भागने से क्या होगा, लौटकर युद्ध करो। उस समय शकुनी के पास 10,000 घुड़सवारों की सेना मौजूद थी। उसी को लेकर वह पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे। इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया, वह तितर-बितर हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना की यह अवस्था देख सहदेव से कहा, भैया, जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो, वह पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है। अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो। तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की रथ सेना को भस्म करता हूँ। धर्मराज की आज्ञा पाकर 700 हाथी सवार, 5,000 घुड़सवार, 3,000 पैदल, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबली सहदेव, इन सबने शकुनी पर धावा किया। उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था। इन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से घुड़सवारों को मार डाला। तब शकुनी थोड़ी ही देर तक सामना करके मरने से बचे हुए 6,000 घुड़सवारों के साथ भाग गया। तदनंतर पांडव सेना भी अपने बचे हुए सवारों के साथ लौट चली। द्रौपदी के पुत्र मतवाले हाथियों की सेना लेकर धृष्टद्युमन के पास जा पहुंचे। शेष योद्धा भी जब इधर-उधर बंट गए तो शकुनी धृष्टद्युमन की सेना के पार्श्व भाग में आकर बाण वर्षा करने लगा। फिर तो आपके और शत्रुओं के सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर घोर युद्ध करने लगे। 100-100, हजार-हजार योद्धा एक साथ रणभूमि में गिरने लगे। तलवारों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे तो ताड़ के फलों के गिरने किसी धमाके की आवाज होती थी। कटे हुए शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जंघाओं के गिरने का घोर शब्द सुनाई पड़ता था। इस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ, तो
तो थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा। पांडवों ने भी फुर्ती दिखाई और पैदल, घुड़सवार तथा हाथी सवारों को साथ लेकर उस पर धावा कर दिया। पांडव विजय के इच्छुक थे। उन्होंने मंडल बनाकर शकुनी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों से बींधना आरंभ किया। यह देख आपकी सेना के घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल भी पांडवों की ओर दौड़े। उस समय जिनके शस्त्र क्षीण हो गए थे, ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घूसों से एक दूसरे को मारकर धराशायी होने लगे। पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संहार कर डाला, तो शकुनी ने शेष 700 घुड़सवारों को साथ ले तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और क्षत्रियों से पूछने लगा, राजा कहाँ है? योद्धाओं ने उत्तर दिया, जहाँ से यह मेघ की गर्जना के समान तुमुल आवाज आ रही है, वहीं कुरु राज खड़े हैं। आप शीघ्रता पूर्वक जाइए, वहीं वे मिल जाएंगे। उनके ऐसा कहने पर शकुनी, जहाँ वीरों से घिरा हुआ दुर्योधन खड़ा था, वहीं गया। रथियों के बीच में राजा दुर्योधन को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा, राजन, मैंने पांडव पक्ष के घुड़सवारों को परास्त कर दिया। अब तुम भी इस रथ सेना का संहार कर डालो, क्योंकि प्राण त्याग किए बिना युधिष्ठिर हमारे वश में नहीं आ सकते। इनके द्वारा सुरक्षित रथ सेना का नाश हो जाने पर हम हाथियों और पैदलों का भी सफाया कर डालेंगे। शकुनी की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े। सबने धनुष उठाया और तरकसों का मुंह खोल दिया। कुछ ही देर में शूरवीरों के सिंहनाद के साथ ही उनके धनुषों की भयंकर टंकारें सुनाई देने लगीं। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दुर्योधन की अनीति का कुपरिणाम बताया जाना तथा कौरवों की रथ सेना और गज सेना का संहार। संजय कहते हैं, तदनंतर कौरव वीरों को बड़े वेग से धनुष उठाए देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, आप घोड़ों को हांकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। कौरवों के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी, सो हम लोगों के पास आकर अब गाय के खुर किसी हो गई। मुझे आशा थी कि पितामह भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा, किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया। भीष्म जी ने सच्ची और हितकर बात बताई थी, किंतु बुद्धि मारे जाने के कारण उसने उसे भी स्वीकार नहीं किया। फिर क्रमशः आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। भूरी श्रवा, शल्य, शाल्व तथा अवंती के राजकुमार मारे गए, फिर भी इस मार काट का अंत न हो सका। जयद्रथ, बाहलीक, राक्षस अलायुद्ध, सोमदत्त, वीरवर भगदत्त, काम्बोज राज तथा दुशासन की मृत्यु हो जाने पर भी यह संहार न रुक सका। भैया भीमसेन के हाथ से अनेकों अक्षोहिणी पति मारे गए। यह देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हिताहित का ज्ञान है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रु के गुण, बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा? आपने भी पांडवों से संधि करने के विषय में उससे हितकारक वचन कहा था, किंतु वह उसके मन में नहीं बैठा। जब आपकी ही बात पर वह ध्यान न दे सका, तो दूसरे की कैसे सुन सकता था? जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म, द्रोण और विदुर की भी बात टाल दी, उसे राह पर लाने के लिए अब कौन सी दवा है? जिसने मूर्खतावश अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी, हित की बात बताने वाली माता का अपमान किया, उसे और किसकी बात कैसे अच्छी लगेगी?
निश्चय ही दुर्योधन का जन्म इस कुल का अंत करने के लिए ही हुआ है। महात्मा विदुर ने मुझसे बहुत बार कहा था कि दुर्योधन अपने जीते जी तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा, सदा ही तुम्हारी बुराई किया करेगा।